नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वॉटर पोटेंशियल. ठीक है, वॉटर पोटेंशियल ऑफ अ प्लांट वॉटर रिलेशनशिप. वॉटर पोटेंशियल मीन्स वॉट एंड हाउ इट गेट मेजर्स. वॉटर पोटेंशियल इज जनरली इंडिकेटेड बाय द ग्रीक लेटर साई. ठीक है, अब अगर हम कंसिडर करें तो वॉटर पोटेंशियल मीन्स वॉट, तो हम बोलते हैं द पोटेंशियल क्रिएटेड बाय द कंपोनेंट और द फ्री एनर्जी इन साइड द वॉटर मॉलिक्यूल. इट मीन्स दैट, देखो, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एवरी कंपोनेंट ऑफ अ सिस्टम हैविंग द डेफिनेट अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी. ठीक है, दैट फ्री एनर्जी इट इज यूटिलाइज टू डू वर्क. मीन्स एवरी कंपोनेंट ऑफ अ सिस्टम कंटेन द अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी, डेफिनेट अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी, एंड दैट डेफिनेट अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी इट इज यूटिलाइज टू डू वर्क. इट मीन्स दैट ड्यूरिंग द ऑस्मोसिस, द ऑस्मोटिक मूवमेंट ऑफ वॉटर इट इज टेक्स प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ फ्री एनर्जी. ठीक है, मतलब ड्यूरिंग ऑस्मोसिस जो ऑस्मोटिक मूवमेंट पानी की होती है, ये ऑस्मोटिक मूवमेंट जनरली द अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी जो वहां अवेलेबल है उसकी मदद से होती है. मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्री एनर्जी दैट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल. देन हम कंसिडर करते हैं कि देखो द फ्री एनर्जी पर मॉलिक्यूल इन अ केमिकल सिस्टम, कितना फ्री एनर्जी पर मॉलिक्यूल, हर मॉलिक्यूल में रहने वाली फ्री एनर्जी इन अ केमिकल सिस्टम इट इज कॉल्ड एज केमिकल पोटेंशियल. इट मीन्स दैट द केमिकल पोटेंशियल ऑफ अ वॉटर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक पोटेंशियल. ठीक है, या इट इज कॉल्ड वॉटर पोटेंशियल. देखो जो केमिकल पोटेंशियल, हम बोल रहे हैं कि फ्री एनर्जी प्रेजेंट इन अ केमिकल सिस्टम इट इज कॉल्ड केमिकल पोटेंशियल. इट मीन्स दैट द केमिकल पोटेंशियल ऑफ अ वॉटर इज कॉल्ड वॉटर पोटेंशियल, एंड दैट वॉटर पोटेंशियल इट इज इंडिकेटेड बाय ग्रीक लेटर साई. किससे इंडिकेट किया जाता है? ग्रीक लेटर साई से. अब जनरली इनकेस ऑफ वॉटर पोटेंशियल ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, इनकेस ऑफ सेल द वॉटर पोटेंशियल ऑफ अ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, सेल के अंदर जो भी सेल से आप अवेलेबल है वो मतलब प्रोटोप्लाज्म. तो हम कंसिडर करते हैं द वॉटर पोटेंशियल ऑफ अ प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू द डीपीडी. किसका इक्वल है? डीपीडी का इक्वल है. डीपीडी मतलब डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट. बट वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन टू डीपीडी और वॉटर पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है? तो बोथ आर इन बोथ इन अपोजिट साइन. डीपीडी पॉजिटिव होता है और वॉटर पोटेंशियल हमेशा निगेटिव होता है. इट मीन्स दैट डीपीडी एंड द वॉटर पोटेंशियल हैविंग द सेम वैल्यू, बट डीपीडी इट इज अ पॉजिटिव एंड वॉटर पोटेंशियल ऑलवेज मेजर्स इन अ निगेटिव वैल्यू. ठीक है, ये हमेशा निगेटिव साइन के साथ इंडिकेट किया जाता है. जनरली इट मेजर्स इन अ यूनिट लाइक बार्स, पास्कल्स और मे एटमोस्फियर्स. ठीक है, मतलब इस बेसिस पे हम बता सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट गेट ऑकर. ठीक है, अब देखिए जनरली द डीपीडी ऑफ अ प्योर वॉटर, तो डीपीडी ऑफ अ प्योर वॉटर जीरो है. वैसे ही सेम हम कंसिडर करते हैं द वॉटर पोटेंशियल ऑफ अ प्योर वॉटर इट इज ऑल्सो जीरो. क्या है? मैंने बताया आपको डीपीडी और वॉटर पोटेंशियल हैविंग द सेम वैल्यू, दोनों की सेम वैल्यू है, लेकिन डीपीडी पॉजिटिव होता है और वॉटर पोटेंशियल निगेटिव होता है. इट मीन्स दैट हम कंसिडर करते हैं कि अगर डीपीडी प्योर वॉटर में जीरो है तो साई की वैल्यू मतलब वॉटर पोटेंशियल ऑफ अ प्योर वॉटर इट इज ऑल्सो जीरो. कैसा होता है? जीरो, ऑलवेज जीरो. फिर एज वी एड द सोल्यूट इन अ प्योर वॉटर, अगर हमने सोल्यूट को प्योर वॉटर में एड करना शुरू किया तो ऐसे समय क्या होता है कि जैसे जैसे सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन उस पर्टिक्यूलर प्योर वॉटर में बढ़ता जाएगा, मतलब सॉल्वेंट में बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उसकी वैल्यू मोर निगेटिव होती जाएगी. अंडरस्टूड ना? इट मीन्स दैट एज वी इंक्रीजेज द सोल्यूट इन अ प्योर वॉटर इट डिक्रीजेज द वॉटर पोटेंशियल और इट डिक्रीजेज द वैल्यू ऑफ अ साई. ये किसकी वैल्यू को डिक्रीज करता है? साई की वैल्यू को डिक्रीज करता है. देयर फोर इट हैज निगेटिव वैल्यू. ठीक है, इसीलिए इसकी वैल्यू हमेशा निगेटिव होती है, क्योंकि प्योर वॉटर में ये जीरो है और ये हमेशा निगेटिवली इंडिकेट करता है. तो जैसे जैसे सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी वैल्यू निगेटिव होती जाएगी, एंड इट हैज निगेटिव वैल्यू.
Nowadays, DPD, it means that water potential. Understood? It is termed as a water potential. Osmotic pressure, it is termed as osmotic potential. And terminal pressure is termed as pressure potential. ठीक है? Pressure potential, but that pressure potential has पॉजिटिव वैल्यू. ठीक है, ये कभी भी निगेटिव में इंडिकेट नहीं होता. इट हैज पॉजिटिव वैल्यू विथ इट, बट इट मीन्स दैट इस सारे बातों में से हम ये कंसिडर करते हैं द ऑस्मोटिक मूवमेंट ऑफ वॉटर कहाँ से कहाँ होती होगी. तो ये ऑन दैट बेसिस हम डिक्लेयर करते हैं दैट वॉटर इज ऑलवेज मूव फ्रॉम लेस निगेटिव पोटेंशियल वॉटर पोटेंशियल टू मोर निगेटिव वॉटर पोटेंशियल. इट मीन्स दैट फ्रॉम द हाई वॉटर पोटेंशियल रीजन टू द लो वॉटर पोटेंशियल रीजन. ठीक है ना, कहाँ पे मूव करता है? फ्रॉम हाई वॉटर पोटेंशियल रीजन टू लो वॉटर पोटेंशियल रीजन. ठीक है, तो इट मीन्स दैट द वॉटर इज ऑलवेज मूव फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर वॉटर पोटेंशियल टू द एरिया ऑफ लोअर वॉटर पोटेंशियल. इट मीन्स दैट लेस निगेटिव पोटेंशियल टू हाई निगेटिव पोटेंशियल. ठीक है, लेकिन द डिफरेंस बिटवीन दैट एडजेसेंट वॉटर पोटेंशियल ऑफ अ एडजेसेंट सेल. ठीक है ना, तो जनरली द डिफरेंस बिटवीन द वॉटर पोटेंशियल ऑफ एडजेसेंट सेल इट डिसाइड्स द मूवमेंट ऑफ वॉटर. ठीक है, फ्रॉम द प्लाज्मोडेस्माटा इंटू द अनादर सेल और बाय द प्लाज्मोडेस्माटा फ्रॉम सेल टू सेल. जनरली ये वॉटर पोटेंशियल की वैल्यू द डिफरेंस बिटवीन द वॉटर पोटेंशियल ऑफ टू एडजेसेंट सेल इट डिटरमाइन द मूवमेंट ऑफ ऑस्मोटिक वॉटर. ठीक है, थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा. तो वॉटर ऑस्मोटिक मूवमेंट इट डिटरमाइन डिपेंड करता है किसके ऊपर? डिफरेंस बिटवीन द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ अ एडजेसेंट सेल. ओके, नाउ लेटर ऑन नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर अफेक्टिंग वॉटर एब्जॉर्प्शन. विच आर द फैक्टर्स दोज हु आर अफेक्टिंग द वॉटर एब्जॉर्प्शन बाय मीन्स ऑफ रूट हेयर. ठीक है, यहां तक आप लोगों को क्लियर है? द नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं. ओके, नाउ इन केस ऑफ नेक्स्ट टॉपिक मीन्स फैक्टर्स अफेक्टिंग द वॉटर एब्जॉर्प्शन. द फर्स्ट फैक्टर कैपिलरी वॉटर. पहला फैक्टर कौन सा है? कैपिलरी वॉटर. अब कैपिलरी वॉटर मीन्स वॉट? द वॉटर दैट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल. ठीक है, बाय मीन्स ऑफ दैट कैपिलरिटी प्रिंसिपल. तो वो जो वॉटर वहां अवेलेबल होता है दैट वॉटर कैपिलरी वॉटर इज द ओनली वॉटर दैट इज अवेलेबल फॉर द एब्जॉर्प्शन बाय द रूट. ठीक है, मतलब सिर्फ और सिर्फ कैपिलरी वॉटर को ही रूट एब्जॉर्ब कर पाता है. एज आई टोल्ड देर आर ऑफ फोर टाइप्स ऑफ वॉटर दैट इज ग्रेविटेशनल दैट इज कम्बाइंड देन हाइग्रोस्कोपिक एंड कैपिलरी. आउट ऑफ दिस फोर वॉटर ओनली वन वॉटर मीन्स कैपिलरी वॉटर गेट एब्जॉर्ब बाय मीन्स ऑफ रूट हेयर्स. एंड availability of capillary water it decide the absorption rate. Understood now? Means presence of capillary water is very essential factor for absorption of water by means of root. If that capillary water is not enough then rate of absorption get decreases, and capillary water is enough then rate of absorption is good. Means capillary water is directly proportional to the rate of absorption. Now the next one is the rate of absorption. The next factor is temperature. ठीक है, the maximum temperature for the absorption of water by means of root hair it is just ranges between 20 degree Celsius to 30 degree Celsius. Understood na? It means that the temperature below the 20 degree Celsius and the temperature above the 30 degree Celsius in both the condition rate of absorption get decreases. The rate of absorption is maximum at the range of temperature between 20 to 30 degree Celsius. Okay, then later on next hai the availability of solute in case of water that is available for absorption. Matlab solution कितने अमाउंट में सोल्यूट को कंटेन करता है? देखो जितना हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट उतना कम एब्जॉर्प्शन का रेट. इट मीन्स दैट हाई कॉन्सेंट्रेशन
of solutes in the soil water reduces the rate of absorption. Understood na? It means that less solute, more solvent, the more absorption. Understood na? And more solute, less solvent means less absorption. Means rate of absorption is inversely proportional to the सोल्यूट. ठीक है, मीन्स अमाउंट ऑफ सोल्यूट. अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन है तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम है, अगर लो कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूट का है तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा है. इट मीन्स बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. नेक्स्ट फैक्टर है दैट इज अफेक्टिंग द एब्जॉर्प्शन, इट इज एरेशन इन केस ऑफ सॉइल. ठीक है, जितना एरेशन सॉइल में अवेलेबल है. एरेशन मीन्स द गैप प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल टू कंज्यूमिंग द ऑक्सीजन. ठीक है, तो अमाउंट ऑफ एरेशन अगर सॉइल में है, द सॉइल इट इज गुड एरेटेड, इट मीन्स दैट इट इज गुड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वॉटर. एंड सॉइल डू नॉट हैव द एयर स्पेस इन बिटवीन, देन इट इज नॉट एबल टू एब्जॉर्ब द वॉटर, नॉट एब्जॉर्ब बाय द प्लांट बिकॉज दैट वॉटर इज नॉट अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ कैपिलरी वॉटर. जितनी एरेटेड सॉइल, इसीलिए आप लोगों को भी पता है कि आउट ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ सॉइल दैट लोमी सॉइल इट इज द बेस्ट टू ग्रो द प्लांट. मीन्स इट हैज इनफ एरेशन और गुड एरेशन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वॉटर एज वेल एज एरेशन डेवलप फॉर द प्लांट. ठीक है, सैंडी कुछ ज्यादा ही एरेटेड है और लोमी में एरेशन का कोई नामो निशान ही नहीं है. ठीक है, क्लेई में, सॉरी लोमी में नहीं, क्लेई में. इट मीन्स दैट लोमी सॉइल इट इज द बेस्ट फॉर द ग्रोविंग प्लांट. ओके, और द ग्रोथ ऑफ प्लांट. इट मीन्स पुअरली एरेटेड सॉइल, पुअर द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन. गुड एरेटेड सॉइल, गुड रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन. देन इसके अलावा लास्ट फैक्टर होता है दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशन. देखो, जितना ज्यादा ट्रांसपीरेशन उतना ज्यादा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वॉटर. पैसिव डिफ्यूजन में जनरली मैक्सिमम वॉटर that is absorbed by the root from the soil is it only by means of transpiration pool. Jitna zyada transpiration hoga, that transpiration accelerates the absorption of water in case of irrigated soil. ठीक है, soil में अगर हमने पानी provide किया है तो उस पानी को भी अगर maximum form में absorb करना है तो जितना अच्छा transpiration रहेगा, मतलब rate of transpiration is high, then high absorption of water. If rate of transpiration is less, then less absorption of water. Now, these are the five factors and these are important ones. May I ask the question on that factors affecting the water absorption for 2 marks. At least write down the 4 factors for the 2 marks. Okay. Now, the next topic, it is called plasmolysis. Now, our next topic is plasmolysis. What is mean by plasmolysis? As you all are studied earlier, plasmolysis means the removal of water from the cell. Cell में से अगर water remove हो जाए बाहर की तरफ और cell का size reduced हो जाए तो उसको plasmolysis considered किया जाता है. फिर in case of that lesson, plasmolysis and deplasmolysis means what? ठीक है, plasmolysis means that the simple process of exoosmosis. Exo और endo, these are the two types of osmosis. Endoosmosis में पानी बाहर से अंदर की तरफ मूव करता है और सेल स्वेल्ड हो जाता है. ठीक है, इसमें हम कंसीडर करते हैं कि बाहर का जो सॉल्यूशन था वो हाइपोटोनिक था और सेल का सेल से कॉन्सेंट्रेटेड था. वहीं पे एक्सोऑस्मोसिस में जनरली सेल के सैप में रहने वाला सॉल्वेंट ये लेस कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब सॉल्वेंट ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है और सोल्यूट कम है, और बाहर रहने वाला सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है, मतलब इट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट. एट दैट टाइम द वॉटर इज मूव फ्रॉम inside to outside and the size of cell gets shrink या छोटा हो जाता है, इस प्रोसेस को प्लाज्मोलाइसिस कंसिडर किया जाता है. तो प्लाज्मोलाइसिस मीन्स एक्सो ऑस्मोसिस इन अ लिविंग सेल. ठीक है, वेन द लिविंग सेल इज प्लेस्ड इन साइड हाइपरटोनिक सोल्यूशन. कहाँ प्लेस किया जाता है? हाइपरटोनिक सोल्यूशन में. ऐसे समय इसको बोला जाता है प्लाज्मोलाइसिस. ठीक है, एक्सो ऑस्मोसिस इन अ लिविंग सेल. एक्सो ऑस्मोसिस मीन्स द रिमूवल ऑफ वॉटर फ्रॉम सेल टू आउटसाइड. ठीक है, कहाँ से मूव हो रहा है? सेल में से बाहर की तरफ. जब सॉल्वेंट मूव करता है या वॉटर मूव करता है तो इसको एक्सो ऑस्मोसिस बोला जाता है. एंड एक्सो ऑस्मोसिस इज जनरली ऑकर इन केस ऑफ लिविंग सेल व्हेन द सराउंडिंग मीडियम इज
मोर हाइपरटोनिक एज कम्पेयर टू सेल सैप एंड बिकॉज ऑफ दैट द वॉटर इज मूव फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड. लेट सी, देखो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है इनकेस ऑफ एक्सोस्मोसिस ड्यूरिंग द प्लाज्मोलाइसिस हाइपरटोनिक सोल्यूशन यहाँ पे प्रेजेंट है. हाइपरटोनिक सोल्यूशन मतलब दैट कंटेन हाई अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड लेस अमाउंट ऑफ सोलवेंट. ठीक है, मोर कॉन्सेंट्रेटेड है. यहाँ पर अगर हमने लिविंग सेल को प्लेस किया, इफ वी प्लेस द लिविंग सेल इनसाइड अ हाइपरटोनिक कंडीशन देन व्हाट विल हैपन दैट वाटर फ्रॉम द सेल सैप मूव इनसाइड टू आउटसाइड एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एक्सोऑस्मोसिस. इस फिनोमिनन को क्या बोला जाता है? एक्सोऑस्मोसिस. ठीक है, अब इस एक्सोऑस्मोसिस की प्रोसेस में पानी जैसे सेल सैप में से मतलब साइटोप्लाज्म में से बाहर की तरफ मूव करे तो सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल गेट श्रिंक्स एंड रिसीड्स फ्रॉम द सेल वॉल. सेल वॉल से बिल्कुल अंदर की तरफ चली जाती है जिसकी वजह से द गैप बिटवीन टू मेम्ब्रेन सेल वॉल एंड द सेल मेम्ब्रेन गेट डेवलप एंड दैट गैप इट इज फिल्ड विद द आउटर सोल्यूशन. ये गैप आउटर सोल्यूशन से फिल्ड भी हो जाती है बट बिकॉज ऑफ श्रिंकेज ऑफ सेल मेम्ब्रेन एज इट लूजेज द वॉटर और बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ वॉटर फ्रॉम सेल टू आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन गेट श्रिंक एंड द सेल बिकम्स फ्लैसिड. सेल कैसे हो जाता है? फ्लैसिड मीन्स इट इज श्रिंक एंड स्मॉल इन साइज बट ड्यूरिंग द प्लाज्मोलाइसिस द गैप डेवलप बिटवीन टू वॉल्स एज आउटर सेल वॉल एंड इनर सेल मेम्ब्रेन एंड दैट गैप इज फिल्ड विद द आउटर सोल्यूशन. ओके, फिर इनकेस ऑफ फुल्ली प्लाज्मोलाइज सेल अगर जहां प्लाज्मोलिसिस होता है ऐसे प्लाज्मोलाइट सेल्स में जनरली टर्गर प्रेशर जीरो होता है बिकॉज देर इज नो एब्जॉर्प्शन ऑफ वॉटर देर इज लॉस ऑफ वॉटर एंड बिकॉज ऑफ दैट देर इज नो टर्गर प्रेशर. हियर टर्गर प्रेशर इज ऑलवेज जीरो. ठीक है, वहीं पे इसकी रिवर्स कंडीशन क्या होती है? अगर इसी प्लाज्मोलाइज लिविंग सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख दिया जाए देन द प्रोसेस ऑफ एंडोऑस्मोसिस गेट ऑकर. एंडोऑस्मोसिस मीन्स द इनटेक ऑफ वाटर इनसाइड द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम. सराउंडिंग से अंदर की तरफ पानी को लेना मतलब साइटोप्लाज्म को मोर टर्जिड बनाना. ठीक है, तो इस कंडीशन को बोला जाता है डी ऑस्मोलाइसिस बिकॉज ऑफ एंडोऑस्मोसिस ऑफ अ लिविंग सेल और एंडोऑस्मोसिस इनकेस ऑफ प्लाज्मोलाइज सेल द सेल गेट स्वेल्ड एंड फुल्ली टर्जिड दिस इज कॉल्ड डी प्लाज्मोलाइसिस. इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डी प्लाज्मोलाइसिस. ठीक है, डी प्लाज्मोलाइसिस. देखो दिस इज अ हाइपोटोनिक सोल्यूशन. हाइपोटोनिक सोल्यूशन मीन्स द सोल्यूशन दैट कंटेन लेस सोल्यूट प्लस मोर सॉल्वेंट. ऐसा सोल्यूशन जो कम सोल्यूट और ज्यादा सॉल्वेंट को कंटेन करता है तो इसमें सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन नहीं के बराबर है. ऐसे समय में अगर प्लाज्मोलाइज सेल को इसमें रखा जाए तो सेल गेट एब्जॉर्ब द वॉटर. ठीक है, सेल बाहर से अंदर की तरफ पानी को एब्जॉर्ब करेगा एंड द सेल मेम्ब्रेन गेट स्ट्रेचेस बिकॉज ऑफ द टर्जिडिटी. सेल सैप में टर्जिडिटी डेवलप मतलब ज्यादा पानी आ जाने की वजह से जो टर्जिडिटी डेवलप होती है तो सेल मेम्ब्रेन जो श्रिंक थी वो फूल जाती है और फूल कर स्वेल्ड हो जाती है. इसकी फूलने की वजह से द गैप गेट रिड्यूस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन एंड सेल गेट एब्जॉर्ब द वॉटर एंड स्वेल्ड. ठीक है, इनकेस ऑफ डी प्लाज्मोलाइज सेल द टर्गर प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है, टीपी इज इक्वल टू ओपी. इट मीन्स दैट देर इज फुल्ली टर्जिड सेल में जहां प्योर वॉटर होता है. हमने क्या बोला? द प्योर वॉटर हैज और द टीपीडी इन केस ऑफ टर्जिड सेल और फुल्ली टर्जिड सेल इज इक्वल टू जीरो. यहाँ पर डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट डेवलप ही नहीं हो पाता और इसकी वैल्यू हमेशा जीरो होती है. तो ये हो गया आपका प्लाज्मोलाइसिस एंड डी प्लाज्मोलाइसिस.